जब मैं बालक था तभी मैंने संकल्प लिया था कि पराधीन भारत को स्वतंत्र भारत बनाना है और इसके लिए मुझे सामरिक जीवन व्यतीत करना है। बंदी जीवन में ये बातें भारत के महान क्रांतिकारी ने लिखी हैं। आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे श्रृंखला की इस कड़ी में बात सचिंद्रनाथ सान्याल की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 3 जून 1893 को सचिंद्रनाथ सान्याल का जन्म बनारस में होता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज बनारस में संपन्न होती है। 1902 में सतीश चंद बसु द्वारा बनाई गई अनुशीलन समिति, जो भारतीय क्रांतिकारियों का एक प्रमुख दल था, उसकी एक शाखा सचिंद्रनाथ सान्याल ने बनारस में खोली। अनुशीलन समिति का नाम सुनते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट चौकन्नी हो जाती है और तरह तरह से सचिंद्रनाथ सान्याल को परेशान करना प्रारंभ कर देती है, जिसके बाद सचिंद्रनाथ सान्याल अनुशीलन समिति की बनारस शाखा का नाम यंग मैन एसोसिएशन रख देते हैं और उसमें भारतीय नौजवानों को खेलकूद और शारीरिक विकास की शिक्षा देते हैं। साथ ही उन्हें भारतीय क्रांति के लिए प्रेरित भी किया करते हैं। 1912 में जब वायसराय हार्डिंग के ऊपर बम फेंके जाने की घटना होती है, उसी समय उनकी मुलाकात रास बिहारी बोस से होती है। रास बिहारी बोस सचिंद्रनाथ सान्याल से काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनके साथ बनारस चले आते हैं। उसी समय सैन फ्रांसिस्को में बनी गदर पार्टी भारत में एक सेना क्रांति की योजना बनाती है। उस योजना के तहत गदर पार्टी के कई सदस्य बनारस चले आते हैं और बनारस भारतीय क्रांति की गतिविधियों का एक केंद्र बन जाता है, जहां पर गदर पार्टी को सहयोग मिलता है सचिंद्रनाथ सान्याल और रास बिहारी बोस का। विष्णु गणेश पिंगले के साथ वो पंजाब जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात भारत के महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा से होती है। करतार सिंह सराभा के साथ कई बैठकें चलती हैं और उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि जो सेना क्रांति होगी उसका दिन 21 फरवरी 1915 होगा, जिसे बाद में परिवर्तित करके 19 फरवरी कर दिया जाता है। लेकिन अपने ही घर में बैठा विभीषण इसकी मुखबिरी ब्रिटिश सरकार से कर देता है और सेना क्रांति की योजना विफल हो जाती है। उसके बाद फांसियों के दौर चलते हैं, आजीवन कारावास के दौर चलते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाकर काला पानी भेज दिया जाता है। वहां पर उनको कठोर यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन 1920 में आम माफी के तहत सचिंद्रनाथ सान्याल को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनका केवल एक ही उद्देश्य रहता है, काला पानी में बंद कैदियों की रिहाई। इसके लिए वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव भी रखते हैं, जिसे पास कर दिया जाता है। 1923 में भारतीय क्रांति को सहयोग करने के लिए वो एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके सदस्य रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी रहते हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना होती है। इस घटना के अंतर्गत सचिंद्रनाथ सान्याल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें कठोरतम सजा सुनाई जाती है। वो 1937 तक जेल में रहते हैं। उसी बीच उन्होंने अपनी आत्मकथा बंदी जीवन लिखी, जो उस समय भारतीय क्रांतिकारी और भारतीय कैदियों पर लिखी गई सबसे अच्छी पुस्तक है। इसमें उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों के साथ हो रहे व्यवहार और भारतीय कैदियों के साथ जेल में हो रहे व्यवहार का बहुत ही सटीक वर्णन किया है। 1937 में जब वो आज़ाद होते हैं और जेल से बाहर आते हैं, उसके बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इंडिया एक्ट 1940 के तहत उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और इसी कुपोषण के कारण उन्हें क्षय रोग अर्थात टीबी हो जाता है और 6 फरवरी 1943 को भारत का ये वीर सपूत चिर निद्रा में सो जाता है। बंदी जीवन में लिखी उनकी एक एक बात हमें यह एहसास कराती है कि भारतीय क्रांति और भारतीय आज़ादी इतनी सरलता से हमें प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपना लहू बहाया है।
इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है और हमें इस संघर्ष का सम्मान करना चाहिए और अपने देश के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। यही हमारे क्रांतिकारियों के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।